Shut up and sit down. बेकारी की समस्या पर निबंध। वर्तमान समय में भारत के सामने अनेक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। इन समस्याओं में सबसे विकराल है बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या का आरंभ तो उसी दिन से हो गया था जिस दिन से अंग्रेजों की ललचाई नजरें भारत की ओर लगी थी। अंग्रेजों ने भारत की जड़ें खोखली कर दी। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा तथा वहां से तैयार माल मंगवाकर भारतीय बाजारों में बहुतायत कर दी। फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए, भारतीय कारीगर बेकार हो गए। किंतु अंग्रेजों की आत्मा को केवल इतने में ही संतुष्टि नहीं हुई, अतः उन्होंने एक और चाल चली। भारत में लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति आरंभ कर दी जिससे सस्ते क्लर्क उत्पन्न हो सके। उसने भारतीय नागरिकों में बाबूगिरी की ऐसी प्रवृत्ति कूट कूट कर भर दी, फलस्वरूप बेरोजगारी की कतारें लंबी होती चली गई। क, पहले वर्ग में शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति आते हैं। ख, दूसरे वर्ग में अशिक्षित व्यक्ति आते हैं। ग, तीसरे वर्ग में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो काम तो करते हैं किंतु वर्ष के केवल कुछ ही महीने। घ, चौथे वर्ग में ऐसे व्यक्ति शामिल किए जा सकते हैं जिन्हें काम तो मिलता है किंतु उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं, अतः वे असंतुष्ट रहकर ही जीवन निर्वाह करते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर यह बेकारी का ग्रहण भारत में स्वाधीनता के 70 वर्षों के बाद आज भी क्यों लगा हुआ है। इसके लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। क, भारत में हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया जन्म लेता है, इसी कारण हर वर्ष नए लोग बेकारों की सूची में अपना नाम दर्ज कराते हैं, क्योंकि इतने लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध करना भारत जैसे निर्धन देश की सामर्थ्य से बाहर है, अतः जनवृद्धि बेकारी का मूल कारण है। ख, हमारी दृश्य शिक्षा प्रणाली भी इस समस्या के लिए कम उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हम आज तक लकीर के फकीर बनकर अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा प्रणाली को ही चलाते रहे हैं, जिससे कलम के बाबू तो मिले किंतु देश के कर्णधार नहीं। ग, भारत की अधिकांश जनता गांव में रहती है, किंतु गांव से शहरों की ओर पलायन की बढ़ती प्रवृत्ति भी बेकारी की वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई है। घ, मशीनीकरण भी बेकारी का एक मूल कारण है। एक मशीन अकेले ही 40-50 व्यक्तियों का काम निपटा देती है, अतः बड़ी बड़ी मशीनों के विकास से कुटीर उद्योगों को भारी धक्का पहुंचा है, वे बेकार पड़ी है। इसके अतिरिक्त शासन की दुर्व्यवस्था, भाग्यवाद की पराकाष्ठा आदि भी बेकारी के कारण है। बेकारी की समस्या हमारे देश में कैंसर की भांति बढ़ती चली जा रही है। इसी समस्या के कारण ही अनेक अन्य समस्याएं जैसे अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, अराजकता आदि उत्पन्न होती है। जैसा कि कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। इसी बेकारी के कारण ही समाज में अस्त व्यस्तता आती है। अनेक युवक अपना अमूल्य समय भिक्षा वृत्ति के लिए भेंट चढ़ा देते हैं, जबकि युवतियां अपने यौवन को लुटाती हुई अपने पेट की अग्नि शांत करने में प्रयासरत दिखाई पड़ती है। अतः बेकारी कुकृत्यों को जन्म देती है। अब चिंतनीय विषय यह है कि बेकारी के उस रोग का अंत कैसे हो। हमारी सरकार इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है, जैसे शिक्षा पद्धति में सुधार किया गया हो। सारे देश में 10+2+3 पद्धति शुरू करके शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। नए कुटीर उद्योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में बेकारी उन्मूलन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वयं जनता को भी प्रयास करना होगा। सर्वप्रथम लोगों को अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि शारीरिक श्रम के उपरांत रक्त स्वेद सिक्त रोटी खाने में जो आनंद है वह पकी पकाई रोटी खाने में नहीं। अतः यदि लोग श्रम का महत्व समझे, झूठा स्वाभिमान त्याग दे, शहरों का मोह न पाले तो इस समस्या की क्या मजाल जो ये हमारे देश से 9-2-11 न हो जाए। इसमें संदेह नहीं कि भारत में इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि वह दिन शीघ्र ही आएगा जब भारत से बेकारी का नामो निशान तक मिट जाएगा, भारत फिर से विश्व का अग्रगण्य देश बन जाएगा।